अगर आपको भी घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, आर्थराइटिस है या फिर गठिया की समस्या बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, बेसिकली आपका लोअर बॉडी जो पार्ट है वो बिल्कुल जाम हो चुका है, हमेशा आपको उठने बैठने लेटने में या फिर सीढ़ियां चढ़ने में बहुत ज्यादा पेन होता है और इसके साथ साथ आपकी मांसपेशियों में सूजन आ चुकी है, टखनों में दर्द है, पिंडियों में दर्द है, घुटनों की नसें बिल्कुल जाम हो गई है, ग्रीस खत्म हो गया है, तो मेरा ये आज का वीडियो आपकी जिंदगी में बिल्कुल मैजिक की तरह काम करने वाला है। सिर्फ एक महीना अपनी ईशा को दे दीजिए और जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली सेम फॉलो कर लीजिए। एक महीने बाद मुझे पक्का से दुआएं देने आएंगे और इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या और कितना बदलाव है। मैं ये नहीं कहती कि एक महीने में 100% आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट 70-80% आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और ये 70-80% को अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो रेगुलरली आपको मेरी इस वीडियो को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लेना है, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वीडियो बहुत काम का होने वाला है, फटाफट से शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को घुटने में दर्द आजकल क्यों होने लगा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी हमने बिल्कुल बंद कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमने जमीन पर बैठना बंद कर दिया है। पहले के जमाने में जो हम किसी के घर जाते थे या खुद का भी जो घर होता था, हमारी जो बैठक होती थी वो जमीन पर होती थी, दरी बिछा के रखते थे, चादर बिछा के रखते थे या डायरेक्टली हम फर्श पर बैठ जाते थे। खाना खाना होता था तो भी हम फर्श पे खाते थे, किचन में खाना बनाना है तो भी जो मम्मी लोग थे वो किचन में जमीन पर बैठकर ही खाना बनाते थे, बर्तन भी वहीं धोते थे, हर चीज जमीन पर ही बैठकर करते थे। इनफैक्ट जो मेहमान भी आते थे उनका बैठक भी हम जमीन पर ही किया करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में हम डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करने लगे हैं, चेयर टेबल का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, कोई एक्टिविटी नहीं रही। पूरा दिन हम अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहते हैं, प्लस में हम स्क्रॉलिंग में बिजी रहते हैं कि हम ये नहीं कि 10 मिनट अपने शरीर को दे दें, उतना टाइम हमारे पास किसी के लिए नहीं है, लेकिन स्क्रॉलिंग करने का, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का, सब लोगों को चिटचैट करने का, वो सबके पास टाइम है। कौन कौन इस बात से एग्री है कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि फ्रेश होना। जी हाँ, पहले के टाइम पे इंडियन कमबोर्ड्स होते थे, आराम से हम बैठते थे, घुटने पे थोड़ा सा जोर पड़ता था, उसकी भी मूवमेंट होती थी, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश कमबोर्ड्स हैं तो हम वहाँ पे भी हमारा कोई भी मूवमेंट जो है वो बंद हो गया है, तो इस तरह की चीजें हमने स्टार्ट कर दी हैं। तीसरी बड़ी चीज हम क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं। दुनिया जान का जंक फूड है बाहर मार्केट में और उसको हम बिना सोचे समझे कि हमारे शरीर में वो क्या क्या बुरा असर करेगा हम उसको खाते रहते हैं। न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है, हरी सब्जियां दालें हमारे बच्चे हों या हम हों बहुत दूर हो गए हैं। सीजन का फ्रूट होता है हम लोग खाते ही नहीं है, उसकी जगह पे हम बर्गर पिज्जा महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर प्रेफरेंस देते हैं, अपनी शान की टोर दिखाते हैं, तो ऐसे सब में हमारे घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने लगी है। तो चलिए इन सब चीजों को अवॉइड करिए, प्लीज अपना ध्यान रखें, आपका शरीर ही आपका साथ बाद में देगा। कितना भी पैसा होगा, जब अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं होगा तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। डेली आपने करना है ये सारी एक्सरसाइजेस, तो देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक महीने के अंदर। और जो जो मैंने वीडियोस में डूज एंड डोंट बताए हैं वो भी एग्जैक्टली आपको फॉलो करने हैं। इसके साथ इम्पोर्टेंट टिप एक और दे देती हूँ कि रोजाना आपने गुड़ और जो भुना हुआ चना है वो खाना है, जो बेसिकली आपकी बॉडी में जितना भी ये घर्षण हो रहा है हड्डियों में, ग्लीसिंग खत्म हो गया है, इन सब चीजों को दूर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। भुना हुआ चना और गुड़ रोजाना आपने खाना ही खाना है। इसके साथ साथ 2 चम्मच घी आपको इनटेक करना है ताकि आपकी बॉडी में यानी आपकी हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी ना हो और जब आपस में घर्षण हो तो आपको पेन ना हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको मैट के कॉर्नर में बैठ जाना है और इस तरीके से आपने अपने घुटनों को, अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, पैरों के पंजों को आपने अपनी साइड फेस कर लेना है। जब आप इस तरीके से पैर के पंजे को ऊपर करते हैं, अपनी साइड देखते हैं, तो पूरा खिंचाव आपके घुटने में आपको फील होता है। 10 सेकंड हम इस तरीके से रखेंगे अपने पैरों को, देन फिर बिल्कुल डाउन साइड लेके जाएंगे 10 सेकंड के लिए। मैं काउंटिंग करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फ्रंट साइड, पैरों का पंजा अपने फेस की साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन डाउन साइड, इसको हम करेंगे 10 टाइम्स और आपने इसको कंप्लीट करना है 20 टाइम्स, राइट। मैं आपको 5 या 6 टाइम्स ही करके दिखाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4,
five, six, seven, eight, nine, ten. Again, front side. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Relax. ठीक है? यहाँ पर हमारी पहली योग क्रिया हो गई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली योग क्रिया की तरफ। नेक्स्ट में आपको ऐसे आराम से मैट पर बैठ जाना है, अपने हिप पे सपोर्ट लेकर। अगर आपके बैक में कोई इंजरी है या पेन है तो आप अपने हिप के नीचे पिलो भी रख सकते हैं। उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और अपने यहाँ पर घुटने के नीचे प्लेस करना है और इस तरीके से लेग को बिल्कुल अपने चेस्ट के पास लाना है, फोल्ड करना है, देन उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट। घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, फास्ट फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्लो मोशन में हम इसे करेंगे। अगर आपके चटक चटक आवाज़ आती है तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, 2 चम्मच घी, गुड़ और चने भुने हुए, ये खाना शुरू करें, ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर बैठें, सुबह की पहली धूप लेनी है, पूरे दिन की नहीं, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को दूर करेगी। टैबलेट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी आपकी बॉडी में स्टोन पैदा करती है, पथरी कर देगी, अगर आप ज़्यादा कैल्शियम की गोलियाँ खाएंगे तो। 10 टाइम्स हमने करा, 10 टाइम्स अदर साइड, बिल्कुल स्ट्रेट करना है लेग, देन फोल्ड करना है, करेक्ट पोजीशन के साथ करेंगे तो ही आपको आराम मिलेगा। रिलैक्स हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली योग क्रिया की तरफ। नेक्स्ट योग क्रिया में आपने इस तरीके से बैठ जाना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे यहाँ पर प्लेस करना है। उसके बाद में आपने 10 टाइम्स क्लॉकवाइज सर्कल रोटेट करना है, लाइक दिस। उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है सर्कल रोटेट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। गुड, अब हम करेंगे अदर साइड, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। टोटल हम करेंगे 20 टाइम्स राइट साइड क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लेफ्ट साइड भी करेंगे। 10 टाइम्स पहले करेंगे, देन उसके बाद 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे, देन उसके बाद बाकी के जो हमारे रेस्ट 10 रह रहे हैं उन हम रिपीटेशंस को कंप्लीट करेंगे। सर्दियां हो तो सफ़ेद तिल का सेवन करें, उसमें हनी डालकर, और गर्मियों में थोड़ा सा गुड़ और भुने हुए चने का सेवन करें। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्यार देते रहें, हर दिन आपके लिए कुछ नया लाने का ट्राई करती हूँ, आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा और बेहतर बनाने का ट्राई करती हूँ। तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, बिल्कुल फ्री है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करें, आई ईशा मेहरा। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ।